ये कहावत मशहूर है, जन जेवर जमीन ये खून के रिश्तों में दीवार उठा देती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें जायदाद के फर्जी दस्तावेज तैयार कर ननद ने भाभी और भतीजे के हक की जमीन को अपने नाम करवा लिया। इस मामले में सिटी सर्वे के कुछ अधिकारियों ने लिपापोती कर मकान और खेती को शीला दिलीप राव ठाकरे के नाम कर दिया। लेकिन सच्चाई तो यह है कि सास लीलाबाई चिंतामन राव खारड़ ने बोरगांव का मकान और पारशुनी दहगांव की खेती अपने नाती और बहू के नाम कर रखा है, लेकिन अब इन दोनों जगह शीला दिलीप ठाकरे ने कब्जा कर रखा है। अपनी ही जमीन के लिए पीड़ित दर दर भटक रहे हैं। इस जमीन के बोगस दस्तावेज किस अधिकारी ने तैयार किए हैं, इसका खुलासा महाराष्ट्र टीवी 24 जल्द ही करेगा। अब पीड़ित ने अपनी आप बीती बताई है। नाव कुमुद विठ्ठल राव घारड आहे, मी सावनेर मध्ये राहते। माझं दहेगाव जोशीला पारशिवनी तहसील मध्ये शेती आहे आणि नागपूरला मकान आहे। तर माझे सासू सासरे मरण पावल्यानंतर ते माझी ननद जी आहे शीला दिलीप ठाकरे हिने त्याच्यावरती गैरकानूनी कब्जा केलेला आहे आणि दहेगाव जोशीच्या शेतावर पण तिने नाव दर्ज केलेलं आहे आपलं। आणि आमचं जे आम्हाला तिने काही कागदपत्र वगैरे काही पाठवले नसून आमच्यासोबत हा खेळ चाललेला आहे। आणि जे अधिकारी लोक आहे तिथे आम्ही सिटी सर्वे ऑफिसमध्ये वारंवार जाऊन वारंवार तक्रार करून त्यांनी कोणतीही दखल घेतलेली नाही आणि गिट्टीगदन पोलीस स्टेशनला सुद्धा आम्ही तक्रार नोंद केलेली आहे। सदर पोलीस स्टेशनला पण आम्ही तक्रार केलेली आहे आणि हे सर्व केल्यानंतर आम्हाला न्याय मिळावा अशी आमची अपेक्षा आहे। आणि मी चॅनलच्या माध्यमातून सर्वांना सांगू इच्छिते आहे आणि हे दखल घेण्यात यावी। आणि हे जे ऑफिसर आहे सिटी सर्वे ऑफिसर नगर भूमापन अधिकारी आणि या सर्व ऑफिसर लोकांनी का हे सर्व खोटं काम केलेलं आहे, तर आम्हाला न्याय मिळावा अशी आमची अपेक्षा आहे। तर आम्ही पोलीस स्टेशनला नेहमी वारंवार जाऊन त्यांनी आम्हाला सांगतो करतो असं म्हटलं, परंतु कोणतीही कार्यवाही त्यांनी केलेली नाही का। नमस्ते, मेरा नाम विवेक घारड है, मैं सावनेर में रहता हूँ। हमारा जो घर है नागपुर में गिट्टी खदान बोरगांव जूनी वस्ती में, वहाँ मेरे बुआ ने अनाधिकृत कब्जा करके रखा है। और ये ऐसा कब्जा है कि इनके पास में कोई दस्तावेज नहीं है कि ये लीलाबाई चिंतामन घारट की लड़की है, फिर भी इन्होंने ये गलत सिटी सर्वे ऑफिस में जाके ये गलत दस्तावेज पेश करके इन्होंने फेरफार लिया है, ये सब गलत किया है। और जो ये भ्रष्ट अधिकारी है इनके पास हम बार बार जाते हैं, बार बार इनको बोलते हैं, लेकिन ये कोई भी कार्रवाई करती नहीं है। और हम और जो बड़े अधिकारी है इनके पास भी हम गए हैं, लेकिन इन्होंने भी कार्रवाई नहीं की है। ये अर्ज फॉरवर्ड करते हैं और उनको बोलते हैं कि कार्रवाई करो, लेकिन अभी तक के कोई कार्रवाई हुई नहीं है इसके ऊपर में। हम सदर पुलिस स्टेशन में इसका गुनाह दाखिल हुआ है और उन्होंने हमें एक पत्र दिया है कि ये जो कार्रवाई है ये सिटी सर्वे वाले कर सकते हैं, लेकिन सिटी सर्वे वाले इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इन्होंने जो मेरा कहना यही है कि इस चैनल के माध्यम से कि जो ये भ्रष्ट अधिकारी है जिन्होंने ये फेरफार लिया है, ये सब गलत लिया है इन्होंने फेरफार। आप जब देखेंगे तो ये वो फेरफार में तीन तीन चार चार बार नाम ही गलत लिखा गया है, स्टैम्प पेपर लिया गया है, अलग नाम से लिखा लिया गया है, उस पर नाम अलग है, ठाकुर है, मुझे नाम का भी बहुत सारा इफेक्ट करके रखा है इन्होंने। और जो मृत है मेरी छोटी बुआ, उसके वो मरने के बावजूद भी उसका नाम दर्ज किया है, शपथ पत्र उसने भी लिख के दिया है और प्रतिज्ञा पत्र जो लिख के दिया है उस पर कोई साक्षीदार की सही नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये सब अनाधिकृत फेरफार लिया है इन्होंने और इनके ऊपर में ये सब भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें पारशिवनी तहसील वाले अभी भी पेपर नहीं दे रहे हमको, खेती के पेपर नहीं दे रहे। हमने मांगा उनको तो वो हमको 7-12 फेरफार पंजी ये सब 8 नकाशा ये सब देते हैं और बोलते हैं, हमेशा टालते हैं। मैंने बहुत सारे कागज़ दिए हैं, बहुत सारे अर्ज किए हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक मुझे वो जिस आधार पर फेरफार लिया गया है वो कोई भी कागज़ मुझे अभी तक इन्होंने दिया नहीं है। सदर पुलिस स्टेशन में घर के मामले में मैंने शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन मुझे जब तक के दहेगांव जोशी से पेपर नहीं मिलते पारशिवनी तहसील से, तब तक मैं उनकी शिकायत वहां पारशिवनी में नहीं कर सकता हूं।
जब तक के वो पेपर नहीं मिलते मुझे, ये लोग मुझे बार बार बोलते हैं कि पेपर आज मिलेंगे कल मिलेंगे। जो पटवारी ने देवाशीष देशमुख ने जो लिख के दिया है कि मेरे पास माझे कार्यालय मध्ये पेपर उपलब्ध नहीं है, ऐसे उसने बोला है, लेकिन आज वो बोल रहा है कि मैं और फिर से ढूंढता हूँ। इसमें तहसीलदार ने एक कमिटी बैठक की हुई है कि वो कमिटी में जो भ्रष्ट अधिकारी है वो भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे और जो इनको पेपर नहीं मिल रहे इनके पेपर दिलाए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कमिटी बैठाई गई है लेकिन कोई हजर नहीं रहता उस पर, मंडल अधिकारी नहीं हजर रहता उसमें, कोई हजर नहीं रहता, तहसीलदार नहीं रहते, नायब तहसीलदार हमें बात करते हैं, हमें बोलते हैं और वो भटकाने का भी प्रयास करते हैं हमें। हम तो कोर्ट तक जाएंगे, हम न्याय के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हमें न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि जो सब कुछ ये हम लीलाबाई घारट के हम लीगल हेयर है, ऐसा उसने खुद ही 2018 के केस में कोर्ट का ऑर्डर है उसने सब लिख के दिया है। कोर्ट के आदेश के हमने उनको नोटिस भी भेजा लेकिन उन्होंने वो उनका बहकावे में सब आके वो कर रहे हैं। संजय जितेंद्र राउत करके है जिन्होंने, जितेंद्र भास्कर राउत जिन्होंने ये गलत काम किया है और इन्होंने सब ये सब करके उनकी बदली भी कर दी है सर, ट्रांसफ़र भी कर दी है। और जब हम लीना पाटिल मैडम के पास में जाते हैं, सॉरी लीना पाटिल ने सपना पाटिल मैडम के पास में जाते हैं कि मैडम आप ये भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर में कार्रवाई करो और शीला ठाकरे के ऊपर में कार्रवाई करो, तो वो बोलती है मैं कुछ नहीं कर सकती, आप अपील करो, आप कोर्ट में जाओ। मैं बोलता हूँ कि मेरे जैसे बहुत से गरीब लोग हैं जो कोर्ट तक नहीं जा सकते, जो हम आपके ऊपर में देखते हैं कि हमको ये जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं हमें इनसे आशा रहती है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, लेकिन हम न्याय नहीं मिल पाता। आपके चैनल के माध्यम से यही मेरी गुजारिश है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर। सचिन लाइफस्टाइल मानसून ऑफर, कम से कम दाम में कपड़े वो भी क्वालिटी के साथ। कपड़ों की खरीदी पर डबल धमाका ऑफर, बाय वन गेट वन फ्री के साथ साथ अब कपड़ों की खरीदी पर 50% की छूट। सचिन लाइफस्टाइल का धूम धड़ाका सेल, जहां मिलेंगे संपूर्ण कपड़े बचपन से लेकर 55 तक, तो देर किस बात की, पहले आइए पहले पाए। सचिन लाइफस्टाइल, रमानगर, शताब्दी चौक, बेलतरोडी रोड, नागपुर।